बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले न हो, वह कर्मठ हो, किन्हीं भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उसके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिनमें सभी की बुद्धिमानी की परिचय होगी। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपने पुत्री के विवाह का चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाले सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उनके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख ना सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक शिष्य विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामा स्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसने ऐसा बैठे देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामा स्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तभी उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन रामा राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा। सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं, क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके। सभी को यह बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामा स्वामी के। राधा गुप्त रामा स्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखा गया था। इस प्रकार मैं रामा स्वामी को अपनी पुत्री के साथ विवाह तय सभी खुशी करता से हूँ। झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर सामान उसके मालिक को सब विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं। कहानी की शिक्षा। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता है। अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज जरूर सुनना चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश लिया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है।
उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उसके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं, और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेता है। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियां व्यक्ति को सही गलत रास्ता दिखाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं, और उन्हें इनका महान तक तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं।